लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की श्रृंखला में इस खबर को हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो बेहद जरूरी खबर है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर एक ओपिनियन पोल कराया है जिसके सर्वे बेहद ही चौंकाने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टियों के लिए ये बुरी खबर भी हो सकता है। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीधा मुकाबला कई सारे राज्यों में है, लेकिन ताजा सर्वे निकलकर सामने आया है पश्चिम बंगाल का, जहां पर ममता बनर्जी और मोदी के बीच में सीधा संघर्ष है। ऐसे में क्या है इसके पूरे नतीजे हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एनडीए को 9 सीटें और ममता बनर्जी को 32 सीटों का अनुमान लगाया गया है, जिसके बाद एनडीए को लेकर अचानक से बड़ा बूम देखने को मिला है और एनडीए की सीटें 0 से सीधा 9 पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, जो एक बहुत बड़ा उछाल भी हो सकता है। इसके साथ ही इस सर्वे के अंदर एक जो बेहद चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं वो ये कि प्रधानमंत्री पद को लेकर पूछा गया सवाल कि बंगाल की जनता किसको प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा पसंद करती है, तो इसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। बंगाल की ज्यादातर जनता यानी तकरीबन 43% जनता ने कहा कि मोदी जी को वो अगला प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बात की गई ममता बनर्जी की, तकरीबन 28% लोगों ने कहा कि हम ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। वहीं राहुल गांधी के लिए केवल 15% लोगों ने कहा कि हम उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। ऐसे में दोस्तों, बंगाल से ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी खबर है और भारतीय जनता पार्टी लगातार बंगाल में अच्छा खासा मोमेंटम गेन करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस को भी जबरदस्त टक्कर देते हुए तृणमूल कांग्रेस से उनके गढ़ में सेंध मारती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको ये खबरें कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आपके कमेंट का हमें लगातार रहेगा इंतजार। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत और दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि ये फेक खबर है, वो एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरी खबर जान सकते हैं। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।